दोस्तों नमस्कार। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या फिर सिक्स्थ सेमेस्टर का आपने एग्जाम दिया है और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये डाउट है कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है सम सेमेस्टर का, क्योंकि आपके बीसम सेमेस्टर मतलब नेक्स्ट ईयर की क्लासें स्टार्ट हो गई हैं कुछ कॉलेज में, कुछ कॉलेज में 1-2 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसे टाइम पे बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ी ये कन्फ्यूजन है कि आखिर सेकेंड सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर आप कह सकते हैं, फोर्थ सेमेस्टर जिसको आप सेकेंड ईयर कह सकते हैं, या फिर फाइनल ईयर का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो आज के इस वीडियो में अगले 2 मिनट में मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो सभी साथी, जो भी दोस्त पहली बार लर्निंग डे के इस यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हो, आप चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने कॉलेज का नाम जरूर बताएं कि आप किस कॉलेज में करंट टाइम पे स्टडी कर रहे हैं। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप अपने हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लर्निंग डे के ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर प्ले स्टोर पर बिना स्पेस के लर्निंग डे सर्च करके आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या कुछ उसकी उम्मीदें हैं। तो जो मुझे लगता है और जो मेरा अनुमान ये कहता है कि आपके एग्जाम को कंप्लीट हुए लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा, लगभग कुछ ब्रांचें ऐसी थी जिनका एग्जाम 1 महीने पहले या उससे थोड़ा भी ज्यादा टाइम हो गया आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया। बट बहुत सारी जगहों से ये आपको न्यूज़ मिली होगी कि शायद अगस्त में आ जाएगा, अगस्त के लास्ट में आ जाएगा, लेकिन हमने इसके बारे में कभी कुछ भी आपको नहीं बताया। क्यों? क्योंकि जब तक कुछ भी ऑफिशियल या कुछ भी थोड़ा सा बढ़िया न्यूज़ नहीं मिलती, हम आपको भ्रमित करने का काम नहीं करते। हम जो भी चीज़ें आपको डिलीवर करना चाहते हैं, हम बेस्ट से बेस्ट, परफेक्ट से परफेक्ट चीज़ें हम आपको देना चाहते हैं। तो अभी इस वीडियो को लाने का मतलब यही था कि आप थोड़ा थोड़ा उम्मीदें ये हैं कि आपके रिजल्ट बहुत जल्द आ सकते हैं। आखिर बहुत जल्द कब तक? तो मुझे जो लगता है कि 10 सितंबर वो लास्ट डेट है जिसके पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, और बोर्ड कहीं ना कहीं इसकी तैयारी भी जरूर कर रहा है कि 10 सितंबर के पहले आपको आपका रिजल्ट दे दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कैंपस प्लेसमेंट हुआ है बहुत सारी कंपनियों में, तो उनको भी कैंपस ज्वाइन करने के पहले, मतलब कंपनी ज्वाइन करने के पहले अपने रिजल्ट को वहां पर दिखाना होता है, रिजल्ट डिक्लेयर्ड दिखाना होता है कि मैं सारे सेमेस्टर को बिना किसी बैक के क्वालिफाइड किया हूं और मेरा जो फाइनल स्टेटस है वो पास का है। तो ऐसे कंडीशन में बोर्ड के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती हैं बच्चों के फ्यूचर को लेकर के, और बोर्ड भी कहीं ना कहीं प्रेशर में होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो मैंने आपको बताया कि 10 सितंबर वो डेट हो सकती है जिसके पहले आपका रिजल्ट आ सकता है, बहुत ज्यादा 1-2 दिन का आगे पीछे गैप हो सकता है, बट बहुत तेजी से काम हो रहा है। कॉपियों के चेकिंग का वर्क जहां तक है लगभग कंप्लीट हो चुका है, आपके रिजल्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है। कुछ जगहों पर आपको दिखाया जाएगा कि भाई आपका रिजल्ट इतने तारीख को आ जाएगा, इतने तारीख को आ जाएगा, लेकिन अभी जहां तक मुझे पता है, मैंने इस वीडियो को स्टार्ट करने के जस्ट पहले ऑफिशियल साइट से किया था, अभी कोई भी अपडेट डेट के बारे में नहीं है। और वैसे भी BTUP जो है वो रैंडमली ऐसे आपको रिजल्ट दे देता है, बहुत ज्यादा डेट पर ये भरोसा नहीं करता कि डेट मैं डिक्लेयर कर दूं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि डेट डिक्लेयर करने के बाद कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रॉल करने लगते हैं तो साइट वगैरह बिजी हो जाती है, तो बोर्ड को भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी कंडीशन में अभी तक कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, बाकी हम ऐसे अनुमानित डेट बता सकते हैं। तो मुझे जो लगता है और मेरी टीम के रिसर्च के बेसिस पर जो हमें लगता है, हमने आपके सामने रखा कि 10 सितंबर के पहले आपके रिजल्ट आ सकते हैं। तो सभी साथी कमेंट सेक्शन में मैंने जैसा कि आपसे पहले ही रिक्वेस्ट किया था कि अपने कॉलेज का नाम, ब्रांच का नाम जरूर बताएं, और दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम अपने 5 दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर करना, और चाहे तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन होकर के आप लर्निंग डे फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। लर्निंग डे आपके साथ हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। हम आपके परिवार की तरह हैं और हम हमेशा आपके पास तक एक अच्छी अपडेटेड न्यूज पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।